सभी भक्तगण अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। यहाँ रख दो ना, ये बाद में शाम को। अब ना वहाँ थोड़ी सेट करो, बहुत जान लगानी पड़ रही है। हेलो एक माइक या तो यहाँ लगवा लो, डबल हो जाएगी ना थोड़ी। हाँ माइक कम हो भले, इसको ले लो, कोई दिक्कत ना। अब ऐसा है, या तो ये बैठ जाओ। सभी भक्तगण अपना अपना स्थान ग्रहण करिए, यहाँ बातें नहीं चलेंगे। अखिल ब्रह्मांड के नायक, अकारण करुणा वरुणालय पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री श्याम सुंदर की बांग में मूर्ति श्रीमद् भागवत की पवित्र अमर कथा, श्रीमद् भागवत कथा के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए
ग्राम देवता, कुल देवता, पितृ देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवताओं को नमस्कार करते हुए आज भगवान श्री श्याम सुंदर जी की कथा का सुनने का अवसर आया है। हमारे अनेक जन्मों के जब पुण्य का उदय होता है, जब जीवन में हमारे शुभ कर्म करने का मौका मिलता है और जब हमारे पाप कर्मों का फल मिलता है, तो हमारे घर में बीमारी, लड़ाई, झगड़े, कोर्ट कचहरी ये लग जाते हैं। जैसे समय समय पर मौसम बदलता रहता है, ऐसे ही हमारे शुभ और अशुभ कर्म जो है फल देते रहते हैं समय समय पर। हमारे ना चाहने पर भी दुख आ जाते हैं। ऐसे ही जीवन में जब हमारे शुभ कर्मों का पुण्य का उदय होता है, जब शुभ कर्म करने का अवसर आता है और भागवत कथा सुनने का सौभाग्य तो बड़ा ही, अनेकों जन्मों के पुण्यों का फल, करोड़ों लाखों जन्मों के पुण्यों का फल जब उदय होता है, जब भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है, क्यों धन दारा सुत लक्ष्मी पापी घर भी हुए। धन बड़े बड़े दुष्टों के यहां भी मिल जाएगा, संतान बड़े बड़े दुष्टों के यहां भी मिल जाएगी, घर मकान वैभव संपत्ति बड़े बड़े दुष्टों के यहां भी मिल जाएगी, लेकिन संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ। तो संतों का समागम और भगवान की कथा ये बड़ी दुर्लभ चीज है। दुर्लभ यानी तो आसानी से ना मिल सके, दुर्लभ चीज है भगवान की कथा। तो इसलिए ये दुर्लभ कथा सुनने का अवसर आपके जीवन में आया है। बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग। भगवान की कथा एक चलती फिरती गंगा के समान है। देखिए आप लोग गंगा स्नान को जाते हो, पैसे भी खर्च करते हो, समय भी लगता है, तब वहां जाकर के स्नान करने का सौभाग्य मिलता है। लेकिन भगवान राम के नाम की, भगवान प्रभु के नाम की जो कथा की डुबकी, ये ऐसी पवित्र कथा है, ये हर जगह प्रकट हो जाती है। गंगा जी तुम्हारे गांव में नहीं आ सकती, लेकिन कथा रूपी गंगा हर जगह पहुंच जाती है। इसलिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कथा सुनने का अवसर। और एक बात और है, हमारी तुम्हारी पीढ़ियों में जितने भी बुजुर्ग मर चुके हैं, पहले दादा परदादा, यानी ये वंश परंपरा तो जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई तभी से चली आ रही है। जब से सृष्टि की रचना हुई है तभी से वंश परंपरा चली आ रही है। सभी के पितृ देवता ये भगवान से प्रार्थना करते कि हमारे कुल में कोई ऐसा बालक पैदा हो जाए जो कभी भागवत की कथा कराए, तो जिससे हमारा भी उद्धार हो जाए। तो भागवत की जो कथा है वो जिंदे व्यक्तियों का कल्याण करती है और जो मृत हैं उनको अभी उद्धार करती है। ये कथा जीवित लोगों का भी कल्याण करती है और जो मृत हो चुके हैं उनका भी उद्धार करती है। पितृ देवता प्रार्थना करते हैं कि कभी हमारे कुल में कोई ऐसा प्राणी पैदा हो जो कथा भागवत की करार हमें भी सुनने का अवसर प्राप्त हो। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आप लोगों ने देखा होगा, अगर हमारे मुंह के अंदर नमक की मोटी कंकड़ी लगी है, गाल में अगर कोई नमक की कंकड़ी रखी है और हम चाय पिएंगे तो चाय हमें मीठी नहीं लगेगी, क्योंकि नमक का असर आएगा उसमें, तो चाय मीठी नहीं लगती। ऐसे ही भगवान की कथा हर किसी को अच्छी नहीं लगती, इसलिए पहले भगवान के नाम का कीर्तन करें और उसके बाद फिर जो है भगवान की कथा तो आपको अच्छी लगे। इसलिए श्री राधे गोपाल भजन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजन श्री राधे।
Thank you.
हेलो श्री नीशे सूतमासीनम विवाद महामति कथामृत रसा स्वादा कुशल सोन को ब्रवीत सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय श्रीमद्भागवत कथा का प्रथम श्लोक है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे सत चित और आनंद। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण ये तीन गुण प्रकृति के अंदर होते हैं। ऐसे ही तीन समय हैं, भूत भविष्य वर्तमान। भगवान के तीन नेत्र भी हैं, त्रिगुणमयी सृष्टि है। तो सतचित और आनंद के स्वरूप जो भगवान हैं उनको हम बंधन करते हैं। देखिए वंदना सबकी करनी चाहिए। किस किस की करनी चाहिए वंदना? कहीं भी जा रहे हो अगर भगवान का कोई मंदिर दिखाई देता है ना तो उनको प्रणाम जरूर करना चाहिए। कहीं पीपल का वृक्ष मिले तो प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं हूं। अब तुम कथा सुन रहे हो तो कथा के बाद जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। कथा के बावजूद भी तुम ऐसे के तैसे ही बने रहे तो तुम्हें कथा का कोई लाभ नहीं मिला। कथा सुनने के बाद जीवन में बदलाव जरूर आने चाहिए। अपने से बड़ों को भी नमस्कार करना चाहिए। भागवत कथा का प्रथम श्लोक ये बताता है कि हमारे परिवार में जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हीं का खून हमारे शरीर में बह रहा है, उन्होंने हमारा पालन लालन कैसे कैसे कष्टों में किया होगा। तो हमारे माता पिता जो हैं वो कौन है? वो भगवान ही है। भगवान कहते हैं अरे मुझको तू का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे माता पिता घर में हैं तो तुम उन्हें छोड़ करके किसी यात्रा पे जाओ, बिल्कुल भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। माता पिता ही भगवान का रूप है जो घर में है, उनकी सेवा करने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते। भगवान कहते पांच रूपों में मैं तेरे पास आस रहता हूं। अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान का रूप होता है, गुरु भी भगवान के रूप हैं और माता पिता भी भगवान के रूप में, चार हो गए। और भगवान कह रहे हैं कि देखो ये जो सूर्य नारायण जो जगत का प्रकाशित करते हैं ये कौन है? ये भी साक्षात वही परमपिता परमात्मा ही है जो सारे जगत में प्रकाश करते हैं, ये भगवान का ही स्वरूप है। घर में बिजली का कनेक्शन होता है जो उजाला करता है, हर महीने बिल आ जाता है बिजली का। लेकिन आपने विचार किया सूर्य नारायण हमें रोज उजाला देते हैं, हमारे कपड़े सुखाते हैं, हमारी फसलें उगाते हैं, हमें निरोगता प्रदान करते हैं, कभी छुट्टी नहीं करते। सूर्य नारायण की कभी छुट्टी होती है क्या? नहीं होती। लेकिन फिर भी उनका आज तक कोई बिल नहीं आया। तो वो कौन है? वो परमपिता परमात्मा है। परमपिता ही सबके पिता हैं, इसलिए वंदन करना चाहिए। अपने से बड़ों का मान सम्मान और उनको नमस्कार करनी चाहिए। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। देखिए एक समय की बात है, सभी देवता भगवान के पास में गए, ऋषि मुनि सब मिलकर, और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु कोई ऐसी जगह बताओ जहां थोड़े किए का ज्यादा फल मिले। हर प्राणी चाहता है कि मेहनत कम करूं और मुझे मजदूरी ज्यादा मिले। तभी तो लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए। क्यों? सरकारी नौकरी लोग इसलिए चाहते हैं कि काम करना ना पड़े और तनख्वाह घर बैठे हर महीना मिले, और रिटायर हो जाए तो जिंदगी भर तक पेंशन भी मिले। तो सभी ये चाहते हैं कि मैं काम कम करूं और मुझे दाम ज्यादा मिले। अरे तुम्हें दिमाग नहीं है क्या?
तुमने पढ़ाई लिखाई जब इतनी करी है, अरे तुम ऐसे अपने दिमाग से कारोबार करो जिससे 20 लोगों को और भी रोजगार मिले। सरकारी वाले का कोई ज्यादा कमाते हैं? बिना सरकारी वाले इतना कमाते हैं कि उनके हजारों लोग काम करते हैं। दिमाग दिया इसका प्रयोग करना चाहिए। सभी ने कहा कि प्रभु ऐसी जगह बताओ जहां थोड़े की एक ज्यादा पुण्य मिले। ये भी अलग अलग जगह का अलग अलग फल होता है। देखो घर में तुमने 1000 रुपये दान करे तो उसका फल हुआ 1000 रुपये के बराबर, और तीर्थ में जाकर के तुमने 1 ही रुपया दान किया तो तीर्थ में दिया गया 1 रुपया का दान और घर में दिए गए 1000 रुपया का दान वो एक ही बराबर है। तीर्थ में थोड़ा सा भी करने का ज्यादा फल मिलता है, पुण्य कर्म का भी फल मिलता है तो पाप कर्म का भी फल ज्यादा मिलता है। तीर्थों में, तीर्थों में किया गया थोड़ा सा भी पाप कर्म बहुत बड़ा हो जाता है। इसीलिए तीर्थों में जाने पर बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। कायिक वाचिक मानसिक, काया से और वचन से और मन से हमारे द्वारा कोई भी पाप ना हो। मन में असंतोष रहता है व्यक्ति तो पाप ज्यादा करता है। इसलिए संतोषम परमम सुखम, संतोष रहना चाहिए। हर मौसम में भगवान की कृपा समझनी चाहिए। अगर कृपा नहीं समझोगे, आज जाड़े से दुखी, कल गर्मी से दुखी रहोगे, परसों बरसात से दुखी रहोगे, तो रोते रोते जिंदगी चली जाएगी, कुछ भी नहीं मिलने वाला। हर स्थिति में भगवान की कृपा माननी चाहिए। वही प्रभु करने वाले हैं, हमारे करने से और सोचने से कुछ नहीं होता। बुढ़वा के बिहारी लाल की हो। अगर हमारे तुम्हारे सोचने से हो जाता तो देखो जितनी भी दुनिया में भगदड़ मच रही है ये सब धन कमाने के लिए मच रही है। ये दुनिया में जितनी भगदड़ मच रही है ये सब धन कमाने के लिए मच रही है। तो अपने चाहने से सभी अमीर होना चाहते हैं तो क्या वो अमीर हो जाएंगे? सभी नहीं हो सकते। साइकिलों में भाग रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, मोटरसाइकिल पर, कारों पर, बसों में, और तो और जहाजों में लोग भाग रहे हैं, रेलों में चल रहे हैं। किस लिए? पैसा कमाने के लिए। लेकिन पैसा सब किसी को नहीं मिलता। राम झरोखा बैठ गए और सबके मुजराले, और जाकी जैसी चाकरी बापुए सो ही फल दे। एक बच्चा जन्मता है ऐसे परिवार में, जन्म लेती अरबों पति है वो, और एक बच्चा जन्मता है जिसके लिए ना सिर पे छत है ना पीने के लिए दूध है। हमारे अपने कर्मों का ही फल हमें मिलता है, हमारे अपने कर्मों का। इसलिए कथाएं बताती है, अरे प्राणी शुभ कर्म करो, अच्छे कर्म करो। अच्छा कर्म कौन सा है? जो तुम्हें अपने लिए अच्छा लगता है वही अच्छा है। दूसरों के लिए करते हैं तो दूसरे का दुख तो दूसरा ही जानता है। इसलिए जिस काम को करने से मन में उत्साह हो, डरना ना पड़े, छिपना ना पड़े, वही काम शुभ होता है। बुरा काम वो होता है जो छिप कर किया जाता है कि मुझे कोई देख ना ले। बुरा काम किया जाता है छिप कर कि मुझे कोई देख ना ले। लेकिन अरे भोले प्राणी, पृथ्वी देख रही है, हवा देख रही है, सूर्य देख रहा है, चंद्रमा देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, सब कुछ देखता है। और शुभ काम होता है छाप कर। आपने देखा होगा कथाएं होती तो बड़े पर्चे छपते हैं, विवाह शादी होती है बड़े कार्ड छपते हैं। तो शुभ काम किया जाता है छाप कर और बुरा काम किया जाता छिप कर। तो जो छिप कर किया जा रहा वही पाप कर्म है। भगवान नारायण बोले, अरे ऋषि और देवताओं, ये चक्र सुदर्शन में छोड़ रहा हूं, ये जिस भूमि पर गिर जाएगा वो भूमि सबसे पवित्र है। चक्र सुदर्शन चलते 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 नैमी सारण में आ गया। नैमी सारण में गिरा है तो सभी ऋषि मुनियों ने वही अपनी कुटिया बना ली और उन्होंने वही विचार किया कि कलयुग के प्राणी ऐसे हैं जिनमें शरीर में ताकत नहीं है, बीमारियां बहुत लगी रहती। और देखो भगवान ने भूख और प्यास की बीमारी हर प्राणी के पीछे लगा रखी है कि तू यही गड्ढे भरने में ही लगा रहे। सबसे आसान है प्रभु का नाम जपना,
और सबसे कठिन काम है रुपया कमाना। तो भगवान का नाम तो बड़ा ही आसान है, इसको नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो।
सच्चिदानंद भगवान की। अब देखिए उन 88,000 ऋषियों ने उसी नैमी सारण तीर्थ में अपनी कुटिया बना ली और वहीं रहने लगे। क्यों? कि वहां थोड़े किए का ज्यादा फल मिलेगा, इसलिए। सौन के इत्यादि 88,000 हैं और उन्हीं में से सभी बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन फिर भी उनमें से एक को आचार्य बना करके गद्दी पर बैठाते हैं और कथाएं वहां चलती रहती है, हमेशा कथाएं चलती रहती है। आज सूत जी महाराज जी को सौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों ने सिंहासन पर बैठा दिया और उनसे प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, हे स्वामी, हमें ऐसी कथा सुनाने की कृपा करें जिस कथा को सुनकर हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, भगवान से हम भी प्रेम करने लगे। देखो, हम अपनी गैया से, बछड़ा से, भैंसों से, घर मकान से, नाती से, बहू से, बच्चों से, अपने घोड़ा गाड़ी पेड़ पौधा सबसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते? हम अपने कपड़े से भी प्रेम करते हैं। तुम्हारे कपड़े में कोई कीचड़ डाल दे तुम गुस्सा हो जाओगे। क्यों? कि तुमने ये मान रखा कि ये चीज मेरी है। जो चीज अपनी होती है तो उसके नष्ट होने में दुख होता है और जो चीज अपनी नहीं है उसके नष्ट होने में कोई दुख नहीं होता। व्यक्ति अपनी वस्तु का ख्याल रखता है कि नहीं रखता? खबर मिल जाए रोड पे कोई व्यक्ति मर गया, थोड़ा सा दुख तो होगा लेकिन ज्यादा नहीं होगा। क्यों? कि वो हमारा अपना नहीं है। फोन आ जाए किसी रिश्तेदारी में मौत हो गई है तो थोड़ा ज्यादा दुख होगा, क्योंकि हम उनसे थोड़े बहुत जुड़े हुए हैं। और कोई सगी खास रिश्तेदारी में से फोन आ जाए तो और ज्यादा दुख होगा, और अपने घर में ही कोई मर जाए तो महान दुख होगा। घर में भी अलग अलग सदस्यों का अलग अलग दुख होगा। घर में भी हमारा भाव सबके प्रति एक जैसा नहीं है, हमारा व्यवहार एक जैसा नहीं है सबके प्रति। घर में अगर बड़े बूढ़े मर गए तो ज्यादा दुख नहीं होगा, बड़े बूढ़े मर गए तो ज्यादा दुख नहीं होगा। सब कह देंगे भैया इनकी तो उम्र थी, कोई जवान मर जाए तो ज्यादा दुख होगा। सबके अलग अलग मायने हैं। ऐसे ही जो दुख होता है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। एक जैसा दुख न हमेशा रहता है, न एक जैसा सुख हमेशा रहता है। आप लोगों ने देखा होगा मायने सबके इसलिए अलग अलग हैं। एक घर का मालिक जब घर में आता है उसका अपनी माता पिता से भी प्रेम है, उसका अपनी पत्नी से भी प्रेम है और बच्चों से भी प्रेम है, लेकिन घर में आएगा वो तो अपने माता पिता को तो नमस्कार करेगा लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों को नहीं करेगा नमस्कार। उनको इसलिए नहीं करेगा क्योंकि व्यवहार की ये है कि पत्नी खुद उसको नमस्कार करेगी, बच्चे खुद उसको नमस्कार करेंगे। प्रेम सबके प्रति जरूर है लेकिन व्यवहार सबके प्रति एक जैसा नहीं होता। व्यक्ति इन्हीं नजरों से अपनी पत्नी को भी देखता है और इन्हीं नजरों से अपनी बहन को भी देखता है, इन्हीं नजरों से अपने बच्चों को भी देखता है और इन्हीं नजरों से अपने माता पिता को, हर प्राणी को देखता है। अब तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसी कथा सुनाओ जो थोड़े समय में हमें बहुत बड़ा पुण्य मिले। आज सूत जी महाराज कहने लगे तो सुनो, मैं तुम्हें कैसी कथा सुनाऊंगा जिस कथा को सुनकर तुम्हारे कानों के द्वारा हृदय में भगवान प्रकट हो जाएंगे, और भगवान प्रकट हो जाएंगे तो हमारा उद्धार निश्चित है। बड़े बड़े पापियों की कथा आती है कि उन्होंने भगवान के नाम का आश्रय ले लिया तो उनका उद्धार हो गया, उनका कल्याण हो गया। सूत जी महाराज कहते हैं, परिच्छते कथा वक्तम सभायाम संसते सुखे सुधा कुंभ गृहित तदा भागवतम लभेत। मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाऊंगा अभिषियो कि जिस समय ये कथा सुखदेव स्वामी राजा परिचित को सुनाने के लिए आए थे तो उसी समय कौन आए? देवता आ गए और देवताओं ने कहा, रे राजन,
तुम चिंता मत करो, तुम्हें तक्षकनाग नहीं बेचेगा, हम तुम्हारे लिए अमृत लेकर के आए, तुम अपना अमृत को पी लो, तुम अमर हो जाओगे और कथा सुनने का लाभ हमें दे दो। देखो ये जो कली, ये जो पृथ्वी है ना, ये मृत लोक है, इस मृत लोक में ही कथा सुनी जा सकती है, इस मृत लोक में शुभ कर्म किए जा सकते हैं, दूसरे लोकों में शुभ कर्म नहीं होते, पुण्य कर्म नहीं कमाए जा सकते हैं, इसलिए देवता भी तरसते हैं यहाँ जन्म लेने के लिए। और हमारा तुम्हारा ये जो क्षेत्र है ये तो बड़ा ही पुण्यमय है, थोड़ा सा चल करके ही ब्रजभूमि लग जाती है, और यहाँ ब्रजमंडल 84 कोस का जो क्षेत्र है वो प्रारंभ हो जाता है बाजने से आगे से ही। भगवान ने यहाँ लीला करी है, ये पवित्र भूमि है, यहाँ का जल भी अच्छा है, यहाँ की हवा भी सही है, जमीन भी सही है, पेड़ पौधे भी फलदार भी हैं, सब कुछ है। और तुम्हारे गांव में तो एक बड़ी सुविधा है कि बंदर नहीं है बंदर नहीं है, बंदर एक ऐसी व्याधा है कि जहाँ बंदर रहते वहां तो कुछ छोड़ते ही नहीं, नारियल तक उठा ले जाते हैं कलशों के, चलो ले जाए तो कोई बात नहीं, वही गंदगी और बढ़ जाती, कपड़े नहीं सुखा सकते, बड़ी सुविधा मिली हुई है, मौसम भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए भगवान की कथा सुनाने के लिए हम हमारी मंडली आई है। अब इधर क्या हुआ, भगवत प्रेमी और सूत जी महाराज सोनक आदि 88,000 ऋषियों से कहने लगे कि देखो, जब राजा सुखदेव को, राजा परीक्षित को जब सुखदेव स्वामी कथा सुना रहे थे तो देवता आए और देवता ने कहा कि राजन तुम अमृत पी लो और कथा हमें दे दो। कोई व्यक्ति कहने लगे तुमसे कि तुम ये चीज अपनी हमें दे दो और हमारी ये चीज तुम ले लो, तो समझ लीजिए उसका कुछ ना कुछ मतलब है। व्यापारी व्यापार करता है, आप लोगों ने देखा होगा व्यापारी का धर्म क्या है, व्यापार का धर्म ये है कि जो ले ज्यादा और दे कम, जो लेता ज्यादा है और देता कम है वो है व्यापारी। अब राजा परीक्षित ने विचार किया, ये तो व्यापार करने के लिए आए, अदला बदली कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा खूब अमरुद बिकने आती, गेहूं से और मक्का से और बाजरा से, तो कहने का मतलब ये है वो माल तुमसे ज्यादा लेगा, अपना माल देगा कम, तभी तो उसे मुनाफा होगा, तुम्हारा घाटा और दूसरे का मुनाफा, हमें हमेशा मुनाफे होते रहते हैं, तो हमें मुनाफा हो रहा है तो दूसरे को घाटा जरूर हुआ थोड़ा बहुत, और जब हमें घाटा हो जाता है तो फिर किसी दूसरे को मुनाफा हो जाता है, तो इसलिए इसमें ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, ये चलता रहता है। राजा परीक्षित ने सोचा ये देवता लोग आए हैं, और देवता कौन होते हैं, देखो देवता ऐसे होते हैं कि कोई भी जब शुभ कर्म होता है ना तो उसमें रुकावट डालने आते हैं। कहीं कथा की बात ही चल रही हो किसी गांव में तो वहां देवता आते हैं, अच्छो यहाँ कथा ना हो, बढ़िया यहाँ यज्ञ ना हो, और ये भी सबरे भक्त बन जाएंगे, भक्त बन बन गए सभी देवता बन जाएंगे, हमारी संख्या ज्यादा हो जाएगी, इसलिए बढ़िया है ये बने यही गोबर कूड़े में ही भैंस पालने में ही लगे रहे तो बढ़िया है, इसलिए शुभ काम में देवता भी विघ्न डालने के लिए आते हैं। अब जब देवता आए राजा परीक्षित ने कहा देखो जी बात ये है, वैसे तो मेरी ज्यादा जिंदे रहने की इच्छा है नहीं, क्यों आया है सो जाएगा और राजा रंग भगीर एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जगीर। राजा परीक्षित कहने लगे जो आया है सो जाएगा जरूर, एक सिंहासन पे बैठ के जाता है और एक जंजीरों में जकड़ के जाता है, इसलिए मुझे अपनी मृत्यु का कोई भय नहीं, लेकिन तुम जो मुझे अमृत पिलाने का जो कह रहे हो पहले मैं देख तो लूं तराजू में तोल करके कि अमृत ज्यादा भारी है या जो मैं चीज ग्रहण कर रहा हूं ये ज्यादा फलवती है। धर्म की तराजू के एक पलड़े में भागवत कथा को रखा गया और दूसरी में वेद वेदांग और अमृत को रखा गया, भगवत प्रेमियों भागवत कथा का ही पलड़ा भारी रहा।
भागवत कथा का प्रलाभारी होने पर राजा परीक्षित कहने लगे, देवताओं मैं ऐसा घाटे का सौदा नहीं करना चाहता, मैं घाटे का सौदा नहीं करूंगा। तो राजा परीक्षित ने भागवत की कथा सुनने का ही निश्चय किया। इसलिए आसुत जी महाराज कहते कि हे ऋषियों, भागवत कथा बड़ी अलौकिक कथा है। एक समय की बात है, प्रसंग सुनाने लगे। सुत जी महाराज कहते हैं कि एक बार की बात है, सनकादिक ऋषियों को नारद जी मिले। सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी क्या बात है, तुम तो देवर्षि हो, तुम इतने उदास क्यों हो? नारद जी कहने लगे, अरे सनकादिक ऋषियों में क्या बताऊं। सनकादिक ऋषियों से कहने लगे, नारद जी मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो ये सोच करके इस मृत लोक में आया था, यहां मेरे प्रभु ने बड़ी लीलाएं करी हैं। ये है मृत लोक, यहां सभी जन्मने और मरने वाले हैं, यहां सभी प्राणी जन्मने और मरने वाले हैं। पुराने न जाने कितने लोग चले गए, घर परिवार में से, पड़ोस में से, रिश्तेदारियों में से न जाने कितने चले गए। हर रोज जा रहे हैं, हर रोज आ रहे हैं। आत्मा शरीर बदलती है अपना कपड़े के समान। उन्होंने कहा नारद जी ने कि मैं उदास इसलिए हूं कि मैं सर्वोत्तम लोक समझ करके इस मृत लोक में आया था। भले ही मृत्यु सबकी होती है, लेकिन ये सबसे उत्तम लोक है, क्योंकि यहाँ शुभ कर्म किए जा सकते हैं, यहाँ पुण्य कमाए जा सकते हैं, सत्कर्म किया जा सकता है, अन्य लोकों में ये सुविधा नहीं है। तो नारद जी कहने लगे, देखो यहाँ, नारद जी ने कहा सनकादिक ऋषियों से, मैं पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, काशी में गया, गोदावरी में गया, हरिद्वार में गया, कुरुक्षेत्र में गया, श्रीरंग में गया और सेतुबंध में गया, सभी तीर्थों में गया मैं, पर मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। अब आप लोग ये बताओ, विवाह शादी में जब कोई जाता है, कितना सज धज के जाते हैं लोग बरात में, शादियों में, मेला देखने, लेकिन जाते तो खुशी खुशी है, लेकिन जब आते हैं तो वो चेहरे पर खुशी नहीं होती, बड़े दुखी, हारे, परेशान, नींद आ रही, अब कुछ भी अच्छा नहीं लगा, चलो अपने घर को चलो। सबके मन में भाव आता है, चाहे भले ही वहां रसगुल्ला और जलेबी चल रही है, लेकिन फिर भी व्यक्ति क्या कहता है, भैया अब थक गए, अब नींद आ रही, अपने घर को। कौन कहता है मैं मर गया, कौन कहता है मैं मर गया, अब तक तो मैं सफर में था, अब मैं अपने घर को गया। जैसे अपने घर में आकर के ही हमें शांति मिलती है, ऐसे ही हम सब इस समय सफर में चले हुए हैं, और सफर में सुविधाएं ज्यादा नहीं मिलती, परेशानी ज्यादा आती है, शांति तो अपने घर में ही आकर के मिलती है। ऐसे ही नारद जी कहते हैं, मैं सभी तीर्थों में गया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली, क्योंकि इस सारी सृष्टि को कलयुग ने गस लिया है। कलयुग आ गया है ना, कलयुग का असर ऐसा देखने को मिलता है, कलयुग में ही मक्खी मच्छर पैदा हुए। पहले मक्खी मच्छर नहीं थे खून चूसने वाले, वो तो अच्छा है कि छोटा सा ही मच्छर बनाया है, और चिड़िया के बराबर या ततैया के बराबर मच्छर होता तो क्या गुजरती इंसानों के ऊपर। उन्होंने कहा, नारद जी ने कहा कि देखो, जब कलयुग आया है तो यहां न योग रहा, न दान रहा, न विद्या रही, न सत्य रहा, न सृष्टि, सबका लोप हो गया। कलयुग ने जैसे सभी चीजों को ग्रस लिया है। सत्यम नास्ति तपम शौचम, सत्यम नास्ति तपम शौचम, दया दानम न विद्यते, उदार जीवो बराका कूट भाषिणी। सच बोलना सबसे बड़ा तप है,